ओ भाई साहब सभी बजे हैं रात के 12 और अचानक से मेरे दोस्त का फोन आता है कि भाई हनुमान दादा का बुलावा है, तो अभी हम जा रहे हैं सहारनपुर। कर चले अभी थोड़ा बहुत लेट हो रहा है मेरे को, तो फटाफट मैं जा रहा हूँ। तो दोस्त है वो मेरे नीचे रहा देख रहा, पता नहीं भाई लोग मतलब देख सकते हो, मजाक नहीं करो, ये देखो भाई 12 बज चुके हैं और भाई भगवान का बुलावा है, हम मना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बजरंग बली जी का हमको बुलावा है, तो अभी हम जा रहे हैं सहारनपुर। तो यार अचानक से मतलब दो जगह थी, तो मैं और मेरा एक दूसरा दोस्त हम जा रहे हैं भाई सांस खुल रही है, चलो थोड़ा बहुत जल्दी वैसे वैसे मतलब रेडी वेडी हो गए, तब मैं सीधा चलते हैं दोस्तों के साथ और फिर मैं वहीं आपको मिलूंगा। सो गाइज ये आ गई है हमारे आज के दिन की सवारी। सो गाइज फाइनली हम गाड़ी में पहुंच चुके हैं, ये हमारा दोस्त जिंकल और एक दोस्त है जो हर रोज लेट करता है, मतलब नहीं जेठालाल जैसा वैसा, ये हमारा एक दोस्त है चित, तो वो आ रहा है, उसके हम थोड़ी राह देख रहे हैं, ठीक है थोड़ी देर रुकते हैं 5-10 मिनट आता है तो ठीक है, वरना उसको लिए बिना चला जाएंगे। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, मजाक कर रहा हूँ, आता होगा वो दिख नहीं रहा यहाँ से, तो ये हमारे जिंकल भाई और यहाँ से वो आएगा, ये हमारा एंट्री गेट ठीक है जहाँ पर हम रहते हैं। सो गाइस ये था जिसके बात कर रहा था, तो वो भी आ चुका है। तो गाइस जिंकल भाई ने अभी गाड़ी की कमान हाथ में ले ली है, तभी क्या है कि हम थोड़ा बहुत बंद करते, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो भाई जिंकल को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करते ठीक है। तो बस यही था अभी के लिए, बाकी हम सीधा जहाँ पहुँचेंगे वहीं पर आपको मैं मिलूंगा ठीक है। अभी के लिए जिंकल ड्राइव करेगा, उसके बाद मैं ड्राइव करूंगा और हम मिलेंगे सीधे हनुमान जी को। चलो भाई सीधे मिलते हैं सहारनपुर में। तो गाइस अभी 1:30 बज चुका है और अभी हमने एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर चलाई है और यहाँ पर हम रुके हैं बगोदरा चौकड़ी पे, तो आप पीछे देख सकते हो गांठिया रद करके, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करेंगे, गांठिया वाठिया जलेबी खाएंगे और फिर ना यहाँ से सीधा चले जाएंगे सहारनपुर। तो फिर यहाँ कैसा है ठीक है, ये जो अपना जो बगोदरा वाला रास्ता जाता है ना, यहाँ सीधा सहारनपुर जाएगा, लेकिन वहाँ पर ये है कि भाई पूरा सिंगल पट्टी रास्ता है ठीक है, मतलब तो वो थोड़ा दिक्कत वाला होगा, फिर वहाँ कुछ खाना वाना ऐसा मिलेगा नहीं, तो फिर यहाँ थोड़ा बहुत जो नाश्ता करेंगे और फिर सीधा चले जाएंगे हम सहारनपुर के लिए। सो गाइज मैं जो सिंगल पट्टी रास्ते की बात कर रहा था ना, तो वो यही है, अगर यहाँ से आप निकलो ना तो बहुत संभाल के निकलना, जरा भी ओवरटेक करने की गलती बिल्कुल मत करना। ये देखो कितना खतरनाक था ना भाई, ये मतलब बहुत ही खतरनाक है, तो यहाँ तो गाइज बस अभी पहुंचने की तैयारी है, आप देख सकते हो 3:15 बज चुके हैं और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई कैसा कैसा मतलब सिंगल पट्टी में होता रहता है, तो भाई कोई नहीं यार, भगवान तुम्हारे साथ ही है, बस अब थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, बस यहाँ से 20 किलोमीटर है और एक और दोस्त की हमारी गाड़ी आगे जा रही है ठीक है, वो एक लेंसा, वो क्या बोलते हैं अपनी सुजुकी की रिबेच ठीक है, वो जा रही है सामने, तो बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे फ्रेश व्रेश होके, फिर जो भी होता है मैं वहीं जाके आपको बताऊँगा। बाकी सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है अभी तो, बहुत मतलब आड़े टेढ़े होके बैठे हैं, लेकिन ठीक है चलो भाई मिलता हूँ मैं आपको सीधा। अभी क्या है थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है और आपको एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि भाई 24 घंटे जाके कैसे घुमा जाता है ठीक है। चलो गाइस आप जर्नी में जुड़े रहो, हम मिलते हैं आपको सीधा सहारनपुर में। सो गाइस फाइनली हम सहारनपुर पहुंच चुके हैं, जो इसका फ्रंट डोर है ना वो तो बंद है और आप देख सकते हो टाइम भी 4:45 हो गए, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी, और भाई आज शुक्र मनाओ कि आज शनिवार नहीं है, बाकी अगर सैटरडे होता ना तो भाई यहाँ पर मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती, और फिर भी अभी इतने 4:45 हो गए फिर भी कितनी भीड़, तो हम पीछे के रास्ते से एंटर करेंगे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर मंदिर, 4 बज चुके हैं 4:45 बजे ठीक है, अब देखते हैं आज गाइस क्या है कि दरवाजे हम खोलने वाले, तो बहुत जल्दी आ गए ठीक है। तो अभी ये गांव के अंदर है, पीछे के रास्ते से हम एंटर हो चुके हैं, अगर शायद आपको पता है कि नहीं, बाकी ये है अपना गेट, ये तो नहीं है, ये तो है ठीक है, हमारे पहले आए श्रद्धालु है, लेकिन दरवाजे तो गाइस आज हम ही खोलने वाले हैं ठीक है, हमारे हाथ में आज का है वो झंडा। Let's go. अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो सब लोग आगे चले गए, हम यहाँ अकेले हो गए हैं और नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन मजा आ रहा है जो भी है ठीक है। कितना अच्छा देख सकते हो महल पीछे, कितना अच्छा दिख रहा है, देव का मंदिर है ठीक है गाइस। चलो गाइस चलो गाइस अभी क्या है, एनर्जी थोड़ी कम है क्योंकि क्या है सुबह नहीं, आप देख सकते हो आंखें लाल लाल हो चुकी होंगी, तो चलो बाय गाइस। सो गाइस फाइनली हमने पीछे के रास्ते से एंटर कर लिया और आप देख सकते हो कितना गजब का मौसम लग रहा है, और ये है हमारा सुप्रसिद्ध सहारनपुर का मंदिर। सो गाइस ये है वर्ल्ड फेमस हनुमान जी का स्टैच्यू,
और ये है हमारा सारंगपुर का मंदिर, आप देख सकते हो सभी लोग आ चुके हैं। सो गाइज हम भी यहाँ पर फाइनली भी पहुँच चुके, पीछे हमने गाड़ी रख दी है और बाकी कोई नहीं, भी जैसे गेट खुलेगा सबसे पहले अंदर चले जाएंगे। बाकी ये इतने सारे सभी लोग तो आ ही गए यहाँ पर, आप देख सकते हो। सो गाइस पीछे मैंने आपको मंदिर दिखा दिया था और ये देख रहे हो ना, ये सब धर्मशाला और ये सब है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर स्टे करना है तो स्टे भी कर सकते हो, बाकी वॉशरूम सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि यार बहुत जल्दी पहुँच चुके, तो मैं हुए चीत है और हमारा दोस्त एक जिंकल, हम तीन लोग यहाँ पर आ गए, थोड़ा बहुत मतलब फ्रेश व्रेश हो जाते हैं, फिर आराम से दर्शन करेंगे, क्योंकि वैसे अभी तो मंदिर खुला नहीं है, लेकिन कोई नहीं, बाद में सभी एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो ऑलरेडी एक बार यहाँ पर आ चुका हूँ, तो एक बार फिर से अभी क्या है कि जब भी मैं उससे पहले आना, तब ये जो स्टैचू हनुमान जी का उसका अनावरण नहीं हुआ था, तो अभी हो चुका है, तो कोई नहीं वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। बाकी चलो यहाँ फ्रेश हो जाते हैं। सो गाइस फाइनली हम मंदिर की लाइन में जुड़ चुके हैं, अभी यहाँ पर आरती होगी, तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पर एंट्री देंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर फोन और वो सब अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर नहीं शूट करूंगा। सो गाइस अभी इसमें 4 बजे, तो यहाँ अभी हमको खड़ा रहना है तकरीबन 5:30 बजे तक, ठीक है। क्योंकि क्या बाद में यहाँ पर बहुत सारी लाइन हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि यार हम लोग क्या थोड़ा 1.5 घंटा खड़े रहे, तो बाद में आराम से आरती वारती कर सकते हैं। सो गाइज अभी हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो हनुमान जी की मूर्ति थी ना बड़ी, वहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है। और अभी रास्ते में यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो गई है, फ़ोन में इतना जस्टिस नहीं करोगा। तो चलो गाइज अब मैं मिलता हूँ आपको सीधे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो गाइस सारंगपुर से निकल के हम पहुँच चुके हैं राजपरा भावनगर खुड़ियारमा के मंदिर में, वहाँ पर क्या है मेरे को बहुत नींद आ गई थी, तो वहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ आकर खुड़ियारमा ने पता नहीं कुछ आशीर्वाद दे दिया है, तो यार एकदम पता नहीं अचानक से बहुत सारी एनर्जी आ गई, और ये हमारे साथ जिंकल और चीत दोनों ही साथ में, तो आपको लगेगा कि यार अचानक से इतनी एनर्जी, लेकिन वो क्या है कि यार आ गई है कुछ नहीं, ठीक है। क्या पीछे पार्किंग में गाड़ी रख दी और बाकी हमारे जो दोस्त लोग हैं वो सामने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी शौक है कि क्या हुआ भाई, एकदम मैंने सोचा कि यार मज़ा आ गया, चलो यार सीधा ऊपर जाके मिलता हूँ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a So guys finally हम मंदिर के प्रांगण में एंटर कर चुके हैं, गजब की पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और यहाँ आप देख रहे हो कि श्रद्धालु यहाँ पर ध्वजा आरोहण कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और क्या ही गजब का माहौल हो रहा है, आप देख सकते हो बहुत गजब की ध्वजा लग रही है। तो चलो गाइज अभी हम सीधा मंदिर में एंटर करेंगे, दर्शन करेंगे और आप भी दर्शन कर लेना। दर्शन खत्म हो गए, सबसे पहले हम गए थे सारंगपुर हनुमान जी के, वहाँ भी दर्शन हो गए, और यहाँ कोडलमा के मंदिर में यहाँ नीचे भी हो गए, और वहाँ जो गब्बर जैसा है, मतलब गब्बर तो नहीं बोल सकते, 50 जितनी सीढ़ियाँ मतलब 50-60, तो वो वहाँ भी हो गए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, यहाँ से अभी खाना वाना खाएंगे और फिर आई थिंक सीधा घर चले जाएंगे। वैसे तो अभी बच चुके हैं सिर्फ कितने 10:15 ही हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम रात को 12 बजे निकल गए थे, तो इसमें क्या है कि अच्छा खासा सब जगह दर्शन का अच्छा खासा सेट हो गया। अच्छा लगा जो भी होता है वो मैं आपको बाद में मिलता हूँ, और वैसे ना यहाँ पर प्रसाद भी होता है, तो वो भी आप ग्रहण कर सकते हो जैसे यहाँ पर। सो भाई लोग अब हम चल पड़े हैं घर की ओर, उसके बाद हम एक और जगह गए थे गणपतपुरा करके है गणपति जी का मंदिर, तो वहाँ पर भी हम गए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर क्या अलाउड नहीं था, ठीक है।